नमस्कार के क्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचा सिंह राजपूता। ये शुरुआत करते हैं खबरों। माडूताल थाना अंतर्गत कटंगी बाईपास के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर युवक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना माडूताल पुलिस को दी गई, जिसके बाद माडूताल पुलिस ने शव का पंचनामा कार्रवाई करते हुए मेडिकल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी तुषार सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि माडूताल और कटंकी के बीच एक युवक का एक्सीडेंट हो गया है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तब तक युवक ने दम तोड़ चुका था। वहीं जब उसकी जेब में रखे कागज देखे तो पता चला कि मृतक का नाम प्रमोद महेंदले है, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष है। वहीं पुलिस आसपास के मौजूद सीसीटीवी कैमरे के आधार पर अज्ञात वाहन की पतासाजिश शुरू करती है। साथ ही मृतक कहां का रहने वाला है इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। थाना माड़ोताल अंतर्गत कटंगी बाईपास और खजरी खिरिया बाईपास के बीच में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना है, जिस पर मौके पर थाना माड़ोताल का स्टाफ पहुँच गया है। जो मृतक हैं उनको अभी मेडिकल शिफ्ट कर दिया गया है। अब उस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना जारी है। किस वाहन से ये एक अज्ञात वाहन है। अब सीसीटीवी फुटेज और ये सब देख के पता चलेगा कि वो कौन सा वाहन था और क्या था। मृतक का कुछ नाम वगैरह पता? मृतक का नाम प्रमोद महबेले हैं, जिनकी 43 वर्ष की आयु है। अभी तक इतनी जानकारी है। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।